जा मैं दिखाती हूँ। प्लीज मेरे जेब को गर्म करो। क्यों मैं भटकती हूँ यशवंत। Just wait. It's me, Yashwa. Welcome back to my vlog video challenge. Now it's oh my god, 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बाकी है. सो जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके कोई वक्त नहीं होते, कोई लिमिट्स नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती है. हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर चीज़ स्किप करके वीडियोज़ में घुसे होते हैं. एंड दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर. और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसा नहीं करता है तो वो कंटेंट क्रिएटर होगा ही नहीं. व्हाई आई एम शोइंग माय हील्स अगेन एंड अगेन, जस्ट लुक हाउ प्रिटी इट इज, दैट्स व्हाई आई वाज शोइंग इट. तो अगर साइड में रख देते हैं क्योंकि पावर ऑफ अट्रैक्शन वही बन रहा था मुझे छोड़ के. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट. एंड सुबह से आज हमने बहुत कुछ करे हैं, सूट वूट भी सिले हैं, तो उसके भी शूट्स मैं कर चुकी हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बेस्ट बेस्ट कंटेंट्स दे सकूँ. एंड इसमें इंक्लूड कर रही हूँ मैं अपने डेली व्लॉग्स को, ताकि आप लोग मुझे पर्सनली जान सको. बहुत सारे लोग आते हैं मुझे डेली, अलग अलग सी सजेशंस देते हैं मुझे बगैर जाने हुए, मुझे बहुत ही बहुत कुछ बोल के चले भी जाते हैं. बट देखो, लाइफ में कुछ अगर आपको करना है, कुछ अचीव करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको दूसरों की बात को सुनना होगा, समझना होगा, लेकिन कभी भी उन्हें पलट के नेगेटिव टाइप से रिस्पॉन्स नहीं करना होगा. क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स के जो ऑडियंस होते हैं वो सब कुछ होते हैं, और उनके सजेशन भी हमारे लिए मैटर करते हैं. उनका देखने का तरीका, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. ऐसा नहीं है कि मतलब हम अगर तरक्की कर रहे हैं तो अगर हमारे ऑडियंस कुछ बोल रहे हैं तो हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर दें, बिल्कुल ही नहीं. मतलब मेरे जितने भी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, मैं सबकी एक एक कॉमेंट को रीड करती हूँ. एंड बहुत कुछ जब बहुत ज़्यादा पिंच कर जाता है मुझे, तब मैं रिप्लाई करती हूँ. एंड मोस्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सबको हर्ट दे सकूँ, सबको हर्ट 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 सबके कमेंट्स को मैं लाइक करती हूँ. चाहे कोई अच्छा बोल रहा है मुझे, कोई बुरा बोल रहा है. देखो यार, आजकल तो अल्लाह और भगवान का भी कोई अपना सगा नहीं रहा. लोग तो उन पर भी उंगलियाँ उठा रहे थे, तो हम लोग तो फिर भी इंसान है ना, हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हम. तो सबको, सबके नज़र में आपको परफेक्शन चाहिए भी नहीं, क्योंकि क्या करेंगे, इतने भी परफेक्ट नहीं होना है यार हमें इस दुनिया में. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट एंड देखते हैं शूट कब ख़त्म होता है. एक्चुअली जॉगर्स मंगाई हूँ मैं ऑनलाइन, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वेयर जॉगर. आजकल देख रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी स्टाइल चल रहा था, उसके साथ मैंने एक ब्लैक टॉप भी मंगाया, तो अभी उन सब चीज़ों का वीडियोज़ बना लेती हूँ. एंड उसके बाद फिर आई विल शो आप लोग को इस ब्लॉग में भी दिखा दूँगी. सो जस्ट वेट. So guys, here is the outfit. How it's looking? लग रहा ना कोरियन स्टाइल वाला. पिजामे दिखाती हूँ मैं आपको. पिजामे दिखाने के लिए मुझे इस पर चढ़ना होगा. तना 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 मुंह लाइक आई कैन जम्प टू. इतना अभी बुढ़ापा नहीं आया है, अभी हमारे शरीर में बहुत चुस्ती, तंदुरुस्ती, फुर्ती. रात का 12 बज रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिवनेस में दिखाने लगती हूँ बिना बेवजह, बिना बिना टाइम पे. बाय द वे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ माय दिस आउटफिट इज लुकिंग. इट्स लुकिंग बॉम, ग्रेट, कंटा, बवाल, हसीन, लाइक एवरीथिंग. यो, सो गाइस, सिर्फ और सिर्फ मैं दो ही शूट कर पाई क्योंकि मैं लाइव आ गई थी 40 मिनट का. इंस्टाग्राम पे मैंने सबसे बात ही किया, बहुत अच्छा लगा. एंड नाउ द टाइमिंग इज, लुक एट द टाइमिंग, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स बाकी हैं 2 बजने में. जल्दी से फटाफट से अनरेडी होके बिस्तर में जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में. बाय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो अभी आफ्टरनून टाइम हो रहा है और मैं यहाँ जहर की नमाज अपना कंप्लीट कर रही हूँ. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. इट्स आफ्टरनून टाइम, शावर वावर ले रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक. बहुत ज़्यादा सर में टन 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 सी हो रही है. हाँ भाई, कभी ठंड भी बड़ी बड़ी है यार. ब्लेजर पहन लेती हूँ यार, ठंड बड़ी बड़ी. मतलब मैं ऐसे भटकती हूँ, मैं ऐसा क्यों रहती हूँ. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर क्यों मैं भटकती हूँ यशवंत. तो इतना क्यों भटकती है. राइट नाउ आई एम इन वजू एंड जोहर का नमाज हो चुका है. मैं सोच रही हूँ कि असर का नमाज पढ़ने के बाद ही, लाइक असर के नमाज तक मैं वजू में ही रहूँगी. ओ भाई गॉड, आज का कोई व्लॉग पोस्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने एडिटिंग ही नहीं करी है यार. आज टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी. कल रात में शूट में बिजी थी, फिर आज अभी तक फिलहाल टाइम नहीं मिला है मुझे एडिटिंग का. सो
अभी फटाफट सेटिंग करनी है, वैसे मम्मी खाना बना रही, तो जल्दी चल के थोड़ी सी मम्मी की हेल्प भी करा देती हूँ। बेचारी एक मेरी मम्मी कितना अकेले काम करेगी। यहाँ चिकन के साथ साथ एक साइड में चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि यार ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड में हम लोग जानते हो ना चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। फिर मैं ऊपर आ गई थी, आतिक भी मेरे साथ आ गया था और ये बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे मालूम नहीं था लेकिन कैमरा ने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ मैं कलरफुल लाइट जला दी थी ताकि आतिक उसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन नहीं, इनको तो बदतमीज़ी करना ही है। और यहाँ असर की नमाज में कम्प्लीट करने के बाद कुरान शरीफ की तिलावट कर रही थी। देखो यार, मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं इस्लामिक वे से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते कि वीडियो के बजाय नमाज कुरान कर लिया करो, तो यार वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से ना, मतलब हेडेक इतना ज़्यादा मुझे हो रहा है, आंखों से पूरा दर्द हो रहा है, बट अभी मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ रही है। बिकॉज रात में शूट हुआ था, लाइव आ गई थी, फिर लाइव आने के बाद मैंने ज़्यादा शूट किए नहीं थे, सिर्फ दो शूट की थी, जिसको आज मैं अभी तक दो एडिटिंग करके रख चुकी हूँ। और शॉर्ट्स में ऑलमोस्ट एक दिन में 5 शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ और इंस्टाग्राम पे 3 रील्स पोस्ट करती हूँ, बट अभी तक शॉर्ट्स सिर्फ 2 ही पोस्ट हो पाए हैं। अभी तक मुझे 4 शॉर्ट्स पोस्ट कर देने थे, बट आई डोंट हैव एनी वीडियोज़। और इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा है ना कि आई एम अनएबल टू शूट, एंड मगरिब का टाइम भी हो चुका है। सो जस्ट मेडिसिन लेके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आई विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दो टैबलेट एक साथ लेती हूँ यार, क्योंकि मेरे पता है ये एक में काम नहीं होता है। एंड प्लीज़ आप लोग हेडेक की दवा मत लिया करो, मतलब मुझे ही पता है कि नहीं लेना होता, लेकिन कभी कभी पता है पेन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। गाइज, राइट नाउ आई फाउंड वन ऑफ माई पार्सल, एंड सुबह सवेरे भी मेरा मीशो से 2 पार्सल आया था। जब भी रिसेंटली मैंने 5 सैंडल्स ऑर्डर कर रखे थे, अब मैं आपको बता रही हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली मैं 5 सैंडल्स ऑर्डर की हूँ, जिसमें नॉर्मल हील्स थे, ब्लॉक हील्स थे, स्लीपर्स थे, फ्लैट्स थे, और सारे के सारे अंडर 500 के थे। सुबह में मेरे हील्स आए थे, एक ही हील था, और उसमें ना लेकिन प्राइस 2 हील्स का उन्होंने ऐड करके तब मुझे भेज दिया था। अब आया हील्स और वो 500 क्रॉस कर रहा था, लाइक 588 बोल रहे थे कि 589 बोल रहे थे, लाइक उतना ही बोल रहे थे। मैं होली की इतना का तो मैंने कोई पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं है। फिर मैं अपना चेक की मीशो खोल के, तो उसमें फिर वो पूछ रहे हैं कि कोई सैंडल है क्या येलो और वाइट कलर का। मैं बोली येलो कलर का अलग सैंडल होगा और वाइट कलर का अलग सैंडल होगा, तो फिर वही चेक करके बॉक्स पे देखे, वो खुद बोले कि इसमें 2 हील्स का इन्होंने प्राइस ऐड कर दिया है, तो आप इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, आप इसको रिसीव मत कीजिए। फिर मैंने कैंसिल किया तो वो दोनों ही हील्स मेरे हाथ से चले गए। वरना आप लोग को रिसेंटली हील्स के रिव्यूज़ देखने को मिलते, क्योंकि मुझे कॉमेंट्स आया था कि आप अफोर्डेबल हील्स पे लेकर के आओ वीडियो, एंड स्लीपर्स, फ्लैट्स, लाइक जैसे भी आप बना सकते हो वीडियो, बट लेके आओ। ये अभी मेरा एक स्लीपर आया है, खुल गया, मैरून कलर का है। एक्चुअली इस टाइप के स्लीपर में, वाओ यार, ओ वाओ, ये तो वेलवेट है, ये मेरे को लगा था कि ये वेलवेट नहीं है। ये कितना बेस्ट है, ये तो बहुत प्यारे है, पहन के देखती हूँ मेरे पाँव में रहेंगे। एग्जैक्टली, इट्स परफेक्ट साइज। रुको रुको याश्मिन, ये तेरा बिस्तर है, कोई बात नहीं, ये नया चप्पल है। प्रिटी, एक कंबल हटो यार। प्रिटी गाइस, लुकिंग गुड, ये देखो ये देखो ये देखो, एकदम परफेक्ट साइज है, ये पूरा वेलवेट है। माय गॉड, क्या मस्त बवाल चीज आया है यार, मेरे को तो वाओ, मतलब इसमें खटखट वाली आवाज भी नहीं है, ये तो मस्त है। कितना मस्त आवाज कर रही है, देखो इसकी डिटेलिंग्स, पता है कितने की है, बताओ कितने की होगी, बताओ, गेस करो। इट वाज कॉस्टिंग 208, बट 188 में मुझे मिल गया, और लोकल मार्केट में लेने जाओगे तो ये 250 रुपये का मिलता है ऐसा स्लीपर, तो ये तो 188 का मिल गया यार, हमने 60 रुपीज़ सेव कर लिए, थैंक्स मीशो, बहुत मस्त है। आई डोंट नो ये कब तक टिकेगा, लेकिन ये बहुत कुशनी है यार, बहुत कुशनी है, एंड उखरेगा कि क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन इसकी फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, एक हद तक मच बेटर है। मे बी आगे चल के ये थोड़ा निकल जाए, कितना हम लोग चप्पल पहनते ही हैं, घिसना थोड़ी है, एक ही चप्पल पे ज़िंदगी थोड़ी गुजारनी है। प्राइस वाइज मस्त है, 3-4 बार भी पहन लोगे तो पैसा वसूल चीज़ है, मस्त लग रहा है मुझे। एक तो इसकी कलर, ऊपर से इसकी डिटेलिंग्स, आए हाय हाय हाय,
हाय हाय हाय, लविंग इट ऐसे स्लीपर पेपर्स थे भी नहीं। तो सुबह में वैसे दो का प्राइस एक में, तो उन्होंने कहा ना कि मीशो से एक बार में आप धर ऑर्डर मत किया कीजिए, ऑलमोस्ट आधा आधा घंटे की गैपिंग से तब आप ऑर्डर किया कीजिए, वरना इसी तरीके से बहुत बहुत बार स्कैम हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को भी बता देने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने, हेडेक थोड़ा सा रिलीफ मिला है मुझे मेडिसिन लेने के बाद। ये चप्पल बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, लविंग इट। लेट्स जस्ट इन्जॉय द चाट, काबली चाट, एंड ये बहुत टेस्टी है। मेरी नेबर ये चाट दी है, एंड सीरियसली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा यम यम। स्टोरी राइटर इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना आप लोग को ईजी लगता है यार। आँखों ही कबारे निकल जाती है, माथे की गुद्दी ख़राब हो जाते हैं, नसें फूल जाते हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। लाइक लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर इज़ मतलब नॉट दैट मच गुड, लेकिन हाँ ठीक है, जब आपको बेनिफिट होने लगता है, जब आपकी जेब गर्म होने लगती है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, जो कि मेरी नहीं गर्म हो रही है। प्लीज़ मेरे जेब को गर्म करो। आप लोग सोचोगे यार ये कैसी कंटेंट क्रिएटर है, मतलब फुल ऑन भिखारन है। और हो सकता है अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय के साथ बिस्किट, मैं तो बिस्किट का पूरा डब्बा ही लेके बैठी पड़ी हूँ। एंड हेयर फाइनली मैं नाइट शूट कर रही हूँ, देख लो टाइम पीछे में घर ही आप लोग को दिख रहा होगा, 1:15 हो रहा था। यहाँ आज मेरा प्लानिंग नहीं था शूट करने का, लेकिन मेरे पास एक भी वीडियो नहीं थे। कंटेंट क्रिएटर का लाइफ ऐसे नहीं चलता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिस वक्त आप लोग सो के फ़ोन स्क्रॉल करते हो, उस वक्त हम लोग जाग के वीडियो शूट कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो हमारा काम है। और इसके बावजूद जब लोग हम पे उंगली उठाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, क्योंकि हमारे पास भी दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब वही है जो आप लोगों के पास है। तो यार जितना हर्ट आप लोग को होता है, उतना ही हर्ट हमें भी होता है। बस यही है कि आप लोग बैठ के देखते हो और हम लोग उठ के खड़े होकर शूट कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।